नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूँ मनोज जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर उच्च न्यायालय में। आज यहाँ पर सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की जो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। आइए चलते हैं और जानते हैं कि उस सुनवाई पर क्या हुआ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षक नेता अश्विनी कुर्रे। अश्विनी जी, आज आप यहाँ कोर्ट आए हैं तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं? बिल्कुल, आज हमारा सुनवाई होगा और फैसला की घड़ी आज आ ही जाएगा करके मैं बड़ा उम्मीद लेके आया था। हाई कोर्ट में आज सहायक शिक्षकों की जो पदोन्नति की प्रक्रिया थी उसको लेकर क्या हुआ है? आज सारे मामला के लिए स्पेशल बेंच बना हुआ था जी, इसमें चीफ जस्टिस साहब और माननीय पीपी साहू साहब की बेंच बैठी थी लंच के बाद जो है 2:15 बजे। उसमें इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से लगभग सारे वकीलों का बहस पूर्ण हो चुका है। एकाध दो वकील ही बचे हैं जिसमें आर्गुमेंट रखना है। इसमें मेन आज ये हुआ कि सरकारी वकील जो मुख्य बहस करना है, सरकार की तरफ से पैरवी करना है, जितेंद्र पाली एडवोकेट, उनके फादर का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है और वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, तो इस कारण से आज मामला की सुनवाई के लिए अगली तारीख नियत कर दी गई है। 1 दिसंबर की तारीख का फिक्स की गई है, उसमें भी स्पेशल बेंच द्वारा ही सुनवाई किया जाएगा। और जो मामला है, लगभग आज अगर सुनवाई होता पूरी समय 2:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, तो मामला समाप्त हो सकता था आज, ऐसा उम्मीद है ना। और सारे मेन इसमें सरकारी वकीलों का ही पक्ष रखना बाकी है और वो जो मेन एडवोकेट है जितेंद्र पाली जी, वही उस मामले की शुरू से पैरवी कर रहे हैं, इसलिए ये मामला उसी के द्वारा आर्गुमेंट किया जाएगा। उसके साथ 2-3 और असिस्टेंट सरकारी वकील हैं जो उनके साथ उस मामले में पैरवी कर रहे हैं, तो उनके द्वारा आज चीफ जस्टिस के सामने रिक्वेस्ट किया गया कि आज की तारीख को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई का तारीख दिया जाए करके। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके अगली तारीख सुनवाई के लिए नियत कर दी गई है, जिसमें ये तारीख 1 दिसंबर की तारीख दिया गया है। सर, आप काफ़ी समय से इस मामले पर नज़र रखे हुए और देख भी रहे हैं और एक पक्षकार भी रहे हैं, आप क्या लग रहा है सर, ये मामला कितना दिन और खिंचाएगा? मुझे लग रहा है कि ये मामला अब अंतिम चरण में है और इसमें एक ही सुनवाई में जो आर्गुमेंट कंप्लीट हो सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है। आ सकता है, उम्मीद कर रहे हैं। जी, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि बहुत से जो सारे शिक्षक है जिनकी पदोन्नति हो रहा है वो काफ़ी समय से बाट जो रहे हैं कि अब वो शिक्षक से उच्च वो शिक्षक के रूप में जाएंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनकी भी एक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक लाभ होगा, उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सब बड़े आशा से इस पूरे केस को देख रहे हैं। इस मामले में मेरा जहाँ तक है कि ये अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसमें ज़्यादा एक सुनवाई से ज़्यादा सुनवाई समय की ज़रूरत नहीं है। अगर फुल टाइम सुनवाई हो जैसे आज सुनवाई होता 2:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, तो उम्मीद था कि आज मामला समाप्त तो हो सकता था और आर्डर रिजर्व हो सकता था, है ना। लेकिन सरकारी वकील के पिताजी का कुछ दिन पहले देहांत हो जाने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए मामला आज बढ़ गया। अश्विनी जी, जी आप लोग बड़ी उम्मीद से आए हैं जैसा कि वकील साहब ने बताया अभी, तो अब क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आज पूरी प्रदेश को जो सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में जाना चाहते थे सारे साथियों का आज के केस में इंतजार था, परंतु बड़ा दुख की बात है कि सरकारी वकील के पिताजी का देहांत हो गया। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और हमें पूरा उम्मीद था, जैसे जिस प्रकार वकील साहब ने कहा है कि आज अंतिम सुनवाई हो सकता था और फैसला रिजर्व रखा जा सकता था, सारे शिक्षक लोग यही मानते थे कि बहुत जल्दी ये आज के डेट में कंप्लीट होने वाला है। जी, सैकड़ों फोन हमारे पास आते रहे मगर हम सबको बताते रहे कि ऐसा हो गया घटना, और उम्मीद है कि 1 दिसंबर को जिस प्रकार सा हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि उस दिन अंतिम सुनवाई हो सकता है, क्योंकि सारे केस का सुनवाई लगभग पूरा हो गया, थोड़ा बहुत केस बचा है अंतिम वकील का, बस उसका बहस होना है, तो निश्चित ही मैं सहायक शिक्षक जितने भी साथी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार का फल मीठा होता है और जल्दी ही आपका हक अधिकार मिलेगा, इसी आशा विश्वास के साथ। आप दूसरे ज़िले से आए हैं
आज यहाँ पर मामले की सुनवाई देखने के लिए बैठ के बीच में सुन वहाँ बैठे भी थे जब सुनवाई चल रही थी जी। तो क्या उम्मीद लग रही थी? मेरे को आज ऐसा पूरा उम्मीद था कि आज फाइनल हियरिंग है जैसा सुनने में मिला था, तो आज अवश्य हम सभी शिक्षकों को जो जितने पदोन्नत वाले शिक्षक हैं बहुत उम्मीद और आशा लगा के बैठे हुए थे, तो आज फाइनल हो जाएगा और स्टे हटेगा और बहुत जल्द हमारा प्रमोशन हो जाएगा, इस प्रकार का उम्मीद लगा के आया था। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के मामले में अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने जो जानकारी दी वो महत्वपूर्ण है। इस मामले पर सिजीवाल की नज़र बनी रहेगी। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।